हेलो एंड नमस्कार साथियों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म HD स्टडी क्लासेज में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एक, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन है दोस्तों, सीधे जनता द्वारा, मनोनीत प्रांतीय विधानसभा द्वारा, अन्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय विधानसभा द्वारा। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रांतीय विधानसभा द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दो, भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई? ऑप्शन है आपके 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1935 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीन है, किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? ऑप्शन है 1947, 1948, 1950, 1951। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1950। क्या दोस्तों? 1950। क्वेश्चन नंबर चार, कौन सा शब्द भारत की उद्देशिका में नहीं है? क्या है दोस्तों, कौन सा शब्द भारत की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन है समाजवाद, लोक कल्याण, पंथ निरपेक्ष, संप्रभुता संपन्न। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, लोक कल्याण। क्या दोस्तों? लोक कल्याण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँच, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ऑप्शन है आपके ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासनाध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर छः, शून्यकाल संसदीय किस देश से लिया गया? क्या दोस्तों? शून्यकाल संसदीय किस देश से लिया गया? ऑप्शन है भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शून्यकाल की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? भारत देश से ही हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर है सात, क्वेश्चन नंबर सात है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश में प्रचलित है? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, भारत और अमेरिका, ब्रिटेन और रूस। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? भारत, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आठ है, कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धर्म का अधिकार। धर्म का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। जैसे कि आप भारत देश में रह रहे हैं, तो भारत एक क्या है? पंथ निरपेक्ष राज्य है। कैसा राज्य है? पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? क्या दोस्तों? मूल अधिकारों का संरक्षक पूछ रहा है, तो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन है कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्यपाल द्वारा, विधानमंडल द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? ऑप्शन है ऑप्शन मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, स्पीकर, प्रधानमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुख्य न्यायाधीश। कौन? मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? कहाँ हुई? देश के बाहर। ऑप्शन है आपके पंडित नेहरू, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री और चौधरी चरण सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी।
लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी। कहाँ? ताशकंद में। क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन है आपके विजयलक्ष्मी पंडित, मीरा कुमार, तारकेश्वरी, एनी बेसेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज मीरा इज करेक्ट आंसर, मीरा कुमार। तो विजयलक्ष्मी पंडित के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये विजयलक्ष्मी पंडित भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी, जो यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? क्या है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या अन्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 155 में की जाती है, 155 के तहत की जाती है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? क्या है दोस्तों, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है? ऑप्शन है अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या है? अनुच्छेद 40, जो कि नीति निर्देशक तत्वों में है, यानी कि पंचायत राज व्यवस्था का नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है संविधान की अनुसूची 6, इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो आंसर है आपके ऑप्शन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर, यानी कि अनुसूची 6 में असम शामिल है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मणिपुर नहीं है। तो क्या है दोस्तों? मिजोरम इसमें शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो ऑप्शन है देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है 22, 24, 29, 32। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, यानी कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय। तो इसके लिए ट्रिक है दोस्तों, जैसे कि इसमें दे रखा है 29, 29, 2 और 9 कितने होते हैं? 11। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है कितनी है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी 24, 22, 23। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।